ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं। हाँ, सॉफ्ट बॉडी ठीक, मोलस्कस मतलब सॉफ्ट बॉडी। तो यस। अब उसका लिखते हैं, कुछ जनरल कैरेक्टर लिख लेते हैं फिर आगे देख लेंगे। तो देखो सॉफ्ट बॉडीज होते हैं, पहले लिखो सॉफ्ट बॉडी, देन एनिमल्स यूजुअली यूजुअली कवर्ड कवर्ड बाई कैल्शियम का सेल होता है बेटा, उससे वो ढके होते हैं, कवर्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैलकेरियस, कैलकेरियस बोलते हैं, ठीक है, कैलकेरियस सेल, ठीक है, जो कि ये कैल्शियम का बना होता है, एज कैलकेरियस एज एक्सोस्केलेटन, ठीक है। मान लो ये हम लोग जो शंख यूज करते हैं उसमें का जो रहता है स्मेल रहता है वो तो डाई हो जाता है, बट उसका जो कवर है वही ना हम यूज करते हैं शंख जो बजाने का मंदिर यस में, मैम। ठीक है। काफी घंटा हो गया। अब देखो सेकंड लिखो कि ये क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन था, मैम ये वाला मॉन्स्टर हाँ आप तो ये बोला था ना लार्जेस्ट फाइलम, पिछला ही जो। हाँ यस मैम, ऑर्थोपोडा मॉलस्का। हाँ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, हाँ याद रखना, ठीक है, यस मैम। आता है फर्स्ट सेकंड डाल देगा। ये क्या होता है, स्टिकी होते हैं, ठीक, स्टिकी ऑफ मोलस्का, उसको क्या बोलते हैं जो स्टिकी होते हैं, कौन बोलते हैं, सॉरी स्टिकी बच्चों है नहीं तो स्टडी लिखा, ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्का को क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, मेलेकोलॉजी, ठीक, यस मैम। एंड ये स्टडी ऑफ उसका जो सेल होता है ना कवर ऑफ मोलस्का, उसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड उसको बोलते हैं कौन, कोलोजी, कैल्शियम का बना होता है ना, यस मैम। कोलोजी बोलते हैं, ठीक है, हो गया ना, लिख रही हूँ क्या, नो मैम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। हाँ ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट इसका देख लेते हैं, बोथ टेरिस्टर एंड इक्वेटिक होते हैं, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर मैरिन, फ्रेश वाटर में भी मैरिन किसको कहते हैं, जो सॉल्टी वाटर होते हैं समुद्र वगैरह जो होता है, ठीक है ना बेटा, यस मैम। वेपन सिस्टम लेवल क्या होगा इसमें, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस मैम। बड़ा फाइन है, और लिख लो ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब एक्टो इंडो न्यूज थ्री जर्म लेयर होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, बाइलेटरल यस मैम। सी मेट्री, और एक चीज इसमें एक्सेप्शनल होता है बेटा, क्या पायला होता है, पायला जानती हो, हाँ यस मैम। पायला
उसका जो एडल्ट है ना वो एसिमेट्री होता है, ठीक है, ए सी में थ्री, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर पाओ, ठीक है, इसका पॉलीफेरम है। और लिखो अनसिग, अनसिगमेंटेड बॉडी होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्या होगा, नेफ्रिडिया, एक्सेप्ट इसका हो जाएगा, सॉरी नियोटेलिना, नेफ्रिडिया हम लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं कर क्या नियोपिलिना, ठीक है, वो सीक्रेटेड होगा, ठीक है ना। और क्या होगा बेटा, होगा कि नहीं? यस मैम, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब एनस और माउथ दोनों, माउथ और एनस दोनों होगा, ठीक है, लिख नहीं रहे, ठीक है। और इसमें बेटा यू सो योमेट जो होता है, योमेट जो होता है क्या होता है, ट्रू ट्रू बॉडी क्या बेटी, क्या होता है इसमें, अब तक हमने क्या पढ़ा, ऊपर के तीन चार पैनल में हमने पढ़ा ना सीजस रियोमेटा, उसमें वो पढ़ा था, इसमें भी सीजस सीजस योम, ठीक है, सीजस नियम होगा। आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो क्या कहा जाता है, इकाइनोडर्मेटा जब पढ़ेंगे तो वहां से तुम्हारा वो स्टार्ट हो जाएगा, जो इंटेरस रियम नहीं है, जो ट्रू ट्रू बॉडी कैविटी का दो पार्ट हो जाता है ना, यूस्लियम का दो पार्ट है ना, एक तो सीजस्लियम है, एक इंटोरा है, तो इसमें जो तुम्हारा मेजोडर्म स्प्लिट होके होता है, और उसमें जो गट होता है, गट जो नहीं गट ऐसे बनाया था, यस मैम, वो क्या करता है, बड जैसे ऐसे बनाने लगता है ना, बडिंग आउटर बडिंग ये करने लगता है, और इसमें तो जो मेजोडर्म जो रहता है वो क्या करने लगता है, पाउच ऐसे बना देगा, सेक्रेट हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, सब माइंड में रखना, ये नहीं कि रखी नहीं, उसके बाद जब हम इसको पढ़ाएंगे ना तब वो इकाइनोडर्मेटा वही मिक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसका बॉडी फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा, ये डिवाइड होते हैं बेटा इनटू थ्री पार्ट में, ठीक है, यस मैम, एक बार और हम क्या करेंगे, दो घंटे का क्लास एक बार और ले लेंगे, ये चार घंटे का हो जाएगा ना बेटा, दो घंटे का और ले लेते तो इस तरह क्या होगा, मान लो कल ही अगर सोचो ले लेते, ठीक है, तो कल चार तारीख हो जाएगा, तो छह क्लास आपका हो जाएगा, हो जाएगा ना, यस मैम, तो टोटल 12 करना है, तो कल दो और ले लेंगे, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन और रहेगा, तो एक ही घंटा ले लेंगे, यस मैम, सही रहेगा ना, यस मैम, कल 3 से 4 फ्री हो ना, 3 से 4 यस मैम हूँ, आ जाऊंगी स्कूल से, रात में 8 बजे बाद फ्री हो, हाँ ना, तो ठीक है, क्या करना है कल ही ले लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर ये लोग अपना क्लास लगा देंगे तो फिर हम ले नहीं पाएंगे, वो ट्यूजडे और थर्सडे या फ्राइडे ये सब थोड़ा वो हो जाता है, तो कल मंडे है ना, कल ही लेते हैं, यस, रात में 1 घंटा ले लेंगे और 1 घंटा दिन में, ये 3 पार्ट होता है बेटा, तो इसमें पहला हो जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि सारा एटलीस्ट कल जो है डेटा हम लोग का स्टार्ट हो जाए, मैं लिख के कोशिश करूंगी, लिख के रखी रहूंगी, जल्दी डेस्कटॉप फिलिंग मिलता नहीं है ना, दिक्कत ये है, और लगातार हम बैठ जा रहे हैं ना लिखने के लिए, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, समझ रही हूँ, हो जाएगा, तो ये इसका हेड होता है बेटा सेकेंड मस्कुलर फुट होता है, ठीक है, थर्ड विसरल
विसरल क्या होता है इनका, एक तो माउथ विसरल हैम्प होता है, ठीक है, हैम्प होता है, बीच के पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। यस अभी फिगर बना के मैं बताती हूँ, समझ में आ जाए। मान लो ये हो गया, ऐसे स्नेल जैसे रहता है, ये देखो ये एंटीना जैसे निकल गया, ये हो गया माउथ, ये ऐसे रहेगा, इसका बॉडी ऐसे रहेगा, और इसके पे ऐसे ये, ठीक, फिर ये ऐसे निकलेगा, और इस पे ये ऐसे रहेगा, नाम बता देते क्या क्या नाम इनका लिख देते, ये हो गया हेड, ठीक, और ये हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया मस्कुलर फुट हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, और ये थर्ड जो मैंने बताया ना विसरल हम्प जो होता है, ठीक है, लिख लेना विसरल जो पार्ट है, ठीक है, और ये हो गया इनका मेंटल, सुना बोलो, ये जो बनाया ना इस तरह, ये मेंटल हो गया, और ये अंदर का ये हो गया मेंटल कैविटी, ठीक, और ये बाहर का जो हो गया कवर, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, चल जो कैल्शियम कार्बोनेट कवर होता है, ठीक है, है ना, यस मैम, तो हेड जो है वो माउथ, आप लिखो, ये हेड जो है लिप्स, माउथ एंड सेंस ऑर्गन, ठीक है, बीच में, ठीक है, और ये क्या करता है, ये तुम्हारा लोको मोटरी का काम करता है, लोको मोशन का, ठीक है, और क्या होता है बेटा, और लिख सकती हो कि मैनी ओरल इनटू इसमें जो नहीं ये ठीक है, बस ये रहने दो, आगे पॉइंट लिखो इसमें कि ये जो होते हैं हाँ यहाँ पे जो होता है ये contains most of internal organ, ठीक है, हाँ, अब इसका जो माउथ होता है उसको और क्या बोलते हैं बेटा, लिख लेना, मेंटल जो होता है, मेंटल पार्ट मैंने उधर बताया ना, मेंटल इसको बोलते हैं पैलियम भी बोलते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेंटल करके आएगा, पूछे पूछता है, ये बेटा क्या होता है, सॉफ्ट स्पंजी एंड स्पंजी वाव स्किन लेयर ओवर ओवर विसरल हम, विसरल हम के ऊपर ही है ना, देख रही हो ना, यस, ये इसके जस्ट ऊपर ही है ना, आगे आगे लिखो, ये तुम्हारा तो बी लिखो, कंटेंस क्या क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट लिख सकते हैं डीएम, ठीक है, सी टेन नी डीएम,
UAM गिल्ड्स होते हैं, ठीक है बेटा, जो कि क्या करता है, फेदर, फेदर मतलब फेदर लाइक अंक जो होते हैं ना, फेदर लाइक होते हैं, देखने में लग ही रहा है ना ये जो बने, yes, देखिए मेंटल के बारे में ही पढ़ रहे ना हम लोग, फेदर लाइक दिख रहा है कि नहीं, यस मैम, यहाँ से तुम्हारा रेस्पिरेशन भी होगा और एक्सहेलेशन भी होगा, ठीक है, दोनों को रोल है, सेकंड लिख लो, सेकंड ओस फेरेडियम, ठीक, तो ये बोलते हैं ओस फेरेडियम बोलते हैं, ये होता है बेटा कीमोरिसेप्टर होता है इसमें, ठीक है, आज जब मेंटल आएगा तो आप बताओगे रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में क्या होता है, ठीक है, भागो लिखो, डाइजेशन देख लेते हैं इसका, डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा कुछ बता सकती हो, कंप्लीट होगा कि इनकंप्लीट, कंप्लीट बताओ, एलिमेंट्री कैनाल होगा ना कंप्लीट के नहीं, तो हाई लेवल पे जाएगा ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, और इंपॉर्टेंट लिखो, सी पॉइंट, माउथ हैज लाइक रेस्पिरेटरी, ठीक, माउथ का जो वो क्या फाइल लाइक रेस्पाइन ऑर्गन, या लिख सकती हो, रुको सुबह, ऑर्गन उसको बोलते हैं फीडिंग, जहां से वो खाते हैं, ठीक है, उसको माइंड में रखना, फीडिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आता है क्वेश्चन में, डाइजेशन में माउथ का जो जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेडुला, क्या बोलते हैं, रेडुला, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडुला किसमें आता है, इसमें पाया जाता है डाइजेशन में, ये तुम्हारा मॉलस्का में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, हो गया ना, और अब आगे चलते हैं, रेस्पिरेशन देख लेते हैं इनका, रेस्पिरेशन हो जाएगा बेटा, एक तो एक्वेटिक होगा, भाई किस चीज का बना रहता है, कौन सा गिल अभी लिखवाया था ना मैंने, कोई गिल लिखवाया है यहाँ पे, यस मैम, सीटेनियम गिल, सी हाँ, सीटेनियम गिल्स, गिल्स है यानी कि जरूर वाटर में ही काम करेगा ना, बाहर तो करेगा नहीं, दूसरा क्या होता है बेटा, इन टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ पे होगा वो क्या होगा, फॉर्म बाय मेंटल, मेंटल वही जो जो ऊपर का जो बना है ना, यस मैम, ठीक है, नहीं हार्ड पार्ट के जस्ट अंदर है ना बेटा, सॉफ्ट होगा ना वो, ये मेंटल याद में रखना, मोलस्का में ही आता है मेंटल रिलेटेड, तो ये हो जाएगा मेंटल, पल्मोनरी सेक, पल्मोनरी, ठीक है, एक्सप्रेशन देख लें, मतलब समझ लेना, रेस्पिरेशन तुम्हारा इन दोनों के थ्रू होगा, मतलब मेंटल है, मेंटल टेरिस्टल में होता है, ठीक है, एक्विटी में ही होता है, यस, माइंड में रखना, आगे
क्या हो जाएगा, एक ऑर्गन ऑफ आता है बोजन, बोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंस्क्रिप्शन दे देगा, ये नाम दे देगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसमें होता है, लाइक मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिडिया किसमें मैंने लिखवाया था बताओ, एनिलिडा में, एनिलिडा में नेफ्रिडिया लिखवाया था ना, हाँ ठीक है, किडनी ठीक है, और आप तो बड़ा क्या लिखवाया था बताओ, सबका अलग अलग लिखवाया था ना कुछ अलग अलग, एंड केबर्स, केबर्स ऑर्गन भी होता है बेटा, ये दोनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पता होना चाहिए एक्सप्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या जगह में प्रोडक्ट क्या निकालते हैं ये अपने बॉडी से, अमोनिया निकालेंगे ना पानी में रहेंगे तो, मोस्टली पानी में जो रहेगा सब अमोनिया ही निकालते हैं, यूरिक कहाँ रहेंगे तो निकालेंगे, टेरेस्टर लैंड पे जो रहेंगे यूरिक मतलब लैंड पे जो है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं, अच्छा जब क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने लगते हैं तो होता है कि अब खत्म हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, इनमें ओपन होता है ठीक है, ओपन टाइप, एक्सेप्ट कौन सा होगा, सिफ्लोपोडा, मतलब जो ऑक्टोपस जिसमें पाया जाता है वो एक्सेप्शन होगा, हाँ सिफ्लोपोडा क्लास में लिखवाऊंगी, सिफ्लोपोडा कोडस इसी में तुम्हारा ऑक्टोपस पाया जाएगा ठीक है, मोलस्का में तो पाया जाता है लेकिन मोलस्का में कई तरह का क्लास होगा ना, यस मैम, उस क्लास में पाया जाएगा, सेकंड तुम लिखो, इसमें सेलियम क्या होता है, रेडियूज होता है ठीक है बेटा, रेडियूज होता है, ब्लू ब्लड मैंने बताया था ना, यस मैम, ब्लड ड्यू टू किसकी वजह से होता है लिखवाया था, हीमोसाइनिन लिखवाया था ना, मोसाइनिन लिखवाया था ठीक है, जो कि किसका बना रहता है, कॉपर, कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग रहता है ना, प्लस रेट्री पिगमेंट ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो ब्लू कलर का होगा ही नहीं, थोड़ा नर्वस सिस्टम देख लें इनका, नर्वस सिस्टम थ्री पेयर का होता है ठीक है बेटा, स्टूडेंट के लिए ना संडे का भी कोई मान्य नहीं है, संडे को भी पढ़ो, क्या होता है ये ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा, साइटन होगा, यस मैम, क्या लिया था, हाँ ठीक है, ये तीनों कौन कौन है ये देख लेते हैं, सरल ठीक है, इसमें लिखो
बी क्या बेटा कनेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव, कनेक्टिंग नर्वस, ठीक है। सी लिखो नर्व कोड, जो कि क्या होता है डबल, पहले भी मैंने लिखा है डबल सॉलिड एंड एंट्रल, यही होता है ना? यस मैम। मेबी नर्वस हो गया। आप क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? और कुछ बचा है? रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर खत्म। लेकिन खुश होने की बात नहीं है, क्लासिफिकेशन में 6 क्लास है। अरे बाप रे, 6 क्लास कौन पढ़ेगा? रहने दीजिए मैम। नहीं मैम पढ़ लेते, खत्म हो जाएगा फिर आज। आज खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, कल स्टार्ट करेंगे। कल के लिए मैं लिख के रखूंगी, कोशिश करूंगी लिखने के लिए रात में, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 फाइलें तो मैं रात में कोशिश कर दूंगी लिख के रख दूंगी, ताकि टाइम वो डेस्कटॉप फ्री नहीं मिलता है ना, बात ये है, समझ रही हूँ मैम। डेस्कटॉप फ्री मिलता तो अब तक तो लिख लिए ना, ठीक है। क्योंकि तुमने भी देखा होगा लिखा रह रहा है तो तुरंत हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. एक हमने 4 फाइलम कंप्लीट किया है एक दिन, किया है कि नहीं? Yes, ma'am. किया तो चलो अब ज्यादा हो जाएगा। कल 2 घंटा पढ़ेंगे ना, तो मैं अगर लिखी रहूंगी कैनोडर्मेटा लिखी रहूंगी और हेमिकोडेटा, दोनों कवर हो जाएगा। और कोडेटा भी कुछ कुछ तो लिखी रहूंगी ताकि कोडेटा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दो ही फाइलम है, उसके बाद तो कोडेटा स्टार्ट हो जाएगा। कोडेटा पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि कोडेटा में हम लोग सभी लोग आएंगे ना। मैमल्स आएंगे, रेप्टिलिया आएंगे, बर्ड्स आएंगे, ये सब आएंगे, ठीक है। एम्फीबियंस आएंगे, मजा आएगा पढ़ने। मोस्टली यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा मैम दोनों होंगे। अब नहीं बोलोगे क्योंकि डांटे है ना, इसलिए याद रहेगा। चलो ओवी पेरिस एग्जिंग, तो बिना पूछे भी बताओगी, एक बार डांट पड़ जाता है सब आने लगता है ना। देखती हूँ मेरे साथ बैठा हुआ वो भी पढ़ रहा है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों एक्चुअल करना, दोनों फर्टिलाइजेशन होगा। और ये सोच लो हम तुमको डांटे इसके साथ में क्या करूँ, सोच सकती हो? बेटा तुम्हारा खैरियत नहीं है। डेवलपमेंट एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? सेफेलोपोडा मतलब वही ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आएगा इसमें, ठीक है, वही एक्सेप्शनल है। कदो आप मेरी मम्मी रहती तो हमको सांस नहीं लेने देती, पता नहीं क्या करती। नो मैम, माँ बाप कुछ भी करेंगे यार तुम्हारे भलाई के लिए ही करेंगे, करेंगे के लिए बताओ। यस मैम, इसलिए तो जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, ठीक है, वही तुमको तुम्हारे सक्सेस पे हाथ दिलाएगा, समझ जाओ। जो छोड़ दिया उसको तुमको क्या मतलब है, पढ़ो तो भला ना पढ़ो तो भला। देखो तो इसका 6 क्लास होता है बेटा, टोटल कितना होगा? 6 क्लास। हाँ तो पहला हम लिखते हैं मोनोप्लेकोफोरा। दूसरा हो जाएगा सारे मेरिन होंगे बेटा, ठीक है। मेरिन, मेरिन मतलब वही जो सॉल्टी वाटर में पाई जाती है। हाँ मेरिन। ये हो जाएगा पॉली, पॉली मतलब ज्यादा, पॉली रुको मोनो प्लेनोफोरा, पॉली प्लेनोफोरा, पॉली प्लेनोफोरा, ठीक है। इन लोग का क्लास भी पढ़ते रहो यार, मिलनी क्लास का मतलब तुमको ये सारा इन लोग का एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैरिन होते हैं भाई। अब तुमको पता सेफेलोपोडा नहीं मालूम रहेगा
तब तो तुम सिर्फ कह दोगे कि मोलस्क का मॉडल आपको पास पाया जाता है, बट किस किस क्लास में पाया जाता है ये भी तो जरूरी है। इसके फोडा एक होता है बाई वे ल बाई वेल रिया, ठीक है, और एक होता है कितना हुआ 4 1 4 5 कैस्ट्रो ओडा, जगह नहीं है तो मैं अलग से लेके अलग से लिख के बताऊं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिख लो, सिफेलोपोडा वही जो ऑक्टोपस, ये इंटरेस्टिंग है, हेलो ओडा, ठीक है, 1 2 3 4 5 देखते हैं इनों के बारे में पढ़ लेते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा। एग्जांपल अभी मैंने ऊपर लिखा है ना नियोपिलीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता नियोपिलीना करके दे देगा, ठीक है, ये होते हैं बेटा लिविंग फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, लिविंग फॉसिल्स होते हैं, ठीक, और क्या, और लिविंग फॉसिल्स, चलो ठीक है लिविंग फॉसिल्स ही बताएंगे, सेकंड लिविंग ये क्या है, सेल इनका क्या होता है जो कवर जो है बेटा जो बना हुआ है, ठीक है, वो होता है 1 2 8 नंबर में होता है, ठीक है, सेल जो होता है इनका नंबर क्या था 1 2 8, अगर हम बनाए 1 2 8 प्लेट लिख सकते हो प्लेट्स, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे रहेंगे, इनमें जो प्लेट है ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होते हैं, ठीक है, एक से लेके 8 होते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं, ठीक है, काइटिन के बने होते हैं, ठीक बेटा, ठीक, और इसको और इसमें हो जाएगा बेटा, इसमें ना हाथी के दांत जैसे ये स्केपोडा जो लिखा है ना इसमें हो जाएगा आपका, ये होते हैं डेंटेलिया, एग्जांपल हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको बोलेंगे हो जाएगा डेंटेलिया, डेंट से डेंटिस्ट मतलब दांत, समझ में आ रहा है ना, यस मैम, टस्क बोलते हैं ना उसके दांत को, ठीक है, यस मैम, ऐसे रहेगा, ठीक, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं तुम्हारा इसका जो सेल जो होता है बेटा, सेल जो होता है ये होते हैं बोथ ओपन, दोनों एंड क्या होते हैं ओपन होते हैं, बहुत ओपन एंड, ठीक है, है ना, बहुत ओपन एंड नोन एज टूथ टूथ सेल, ठीक है, नोन एज टूथ सेल, ठीक है, चलो और इसको देख लेते हैं, इसको इसको बोल, इसमें हो जाएगा तुम्हारा इसका, जैसे कि जो नाव वगैरह होता है ना बेटा, नाव वगैरह में छेद हो जाता है ना, यस मैम, बड़े जो जहाज वगैरह तो उसमें छेद हो जाता है ना, यही जो मलस्का है ना ये बाइबेली भैया, इसमें जो मलस्का आता है उसका नाम है टेरिडो, वो क्या कर देता है ना छेद कर देता है, इसका फिगर ऐसे बना रहेगा, ये ऐसे ढका रहेगा, इसके ऊपर एक और कवर रहेगा, यही जो रहता है, तो इसमें तुम लिख सकती हो, इसमें एग्जांपल तुम्हारा आ जाएगा, इतना मैंने बताया,
कैरी डो जो ये है, ठीक है, हाँ यही छेद कर देता। दूसरा तुम देख सकती हो यूनियो, ठीक है, ये फ्रेश फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये तुम्हारा फ्रेश वाटर में पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मैरिन नहीं लिखोगी, यहाँ पर मैरिन भी लिखोगी और फ्रेश वाटर भी लिखोगी, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है बेटा पर्ल जो होता है, क्या होता है पर्ल, पर्ल ऑयस्टर होता है ना, जो मोती जो होता है, यस मैम, ठीक है। इसका बॉडी क्या होता है बेटा, लेटरली होता है, ठीक है, इसमें लिख सकते हो, इसमें जो पॉइंट लिखना है लिखो कि बॉडी जो होता है, एक तो लिखो कि सेल जो होता है वो हैज टू वॉल, टू वॉल है ना इसमें, और बॉडी जो इसका है लेटरली है, लेटरली कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड है ही है। अब हम देखते हैं पांचवा और छठा फाइलम, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा, और यहाँ पे लिख देते हैं, वहां पे स्पेस नहीं है ना, ये पांचवा क्लास जो है, फिफ्थ क्लास क्या है, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, इसमें देख लेते हैं बेटा, ये देखो ये 80% ये इसमें होते हैं बेटा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा 80, जितना तुम्हारा मोलस्का है ना, ठीक है, ये सबसे तुम्हारा क्या होगा लार्जेस्ट मोलस्का, में भी लार्जेस्ट मोलस्का तो तुम्हारा सेकंड क्लास है, लार्जेस्ट फाइलम है, और उसमें भी तुम्हारा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ग्रेस्टोपोडा में, ठीक है, यस मैम। और इसमें तुम देखोगे कि एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट, इम्पोर्टेंट है, सिमेट्रिकल देख रही हो ना, एसिमेट्रिकल मतलब नहीं डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू टॉर्सन, टॉर्सन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, टॉर्सन किसमें आ रहा है तुम्हारा, इसकी वजह से ये डिवाइड नहीं होते। इनका फिगर कैसा बना रहेगा बेटा, ऐसा बना रहेगा, छोटा सा ऐसा बना रहेगा, ठीक है, और यही पे एक और लाइनिंग, ये एनस हो गया, ये माउथ हो गया, ये बीच में ये ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें क्या होता है, ये ट्विस्टेड कैसे, मतलब ट्विस्टेड से तो कपड़ा धुलती हो ना, कपड़ा निचोड़ती हो ना, यस मैम, ये ट्विस्टिंग रहेगा, मतलब मोड़ दो उस तरह, ट्विस्टिंग ऑफ इंटरनल, ये जो है ना किस तरह मुड़ा हुआ है, इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन इनका ट्विस्ट रहता है, ठीक है, और कितने डिग्री पे बैठा ऑर्गन, बाई 180 डिग्री पे, ठीक है, ठीक है, यस मैम, चलो ये हो गया, आगे आगे मैं आगे का मैं लिख के रखी रहूंगी, तो फिर तुम पढ़ लेना, ठीक है, भेज दूंगी मैं आगे का। इनमें क्या होता है, इनडायरेक्ट, ज्यादा नहीं है, बस ये दोनों क्लास है और फिर ट्रिक है, ठीक है, यस मैम, डायरेक्ट जैसे मैंने कल उसका भेजा था ना, हाँ, बट ये है कि तुम रिविजन की करना, फिर मैं पूछूंगी, अगर नहीं बताओगे तो फिर चिल्लाने लगेंगे, समझ रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइला, बोलते हैं बेटा पाइला, वैलिगर लार्वा को ये जो होता है पाइला बोलते हैं। अगर एग्जांपल लें हम, एग्जांपल ढेर सारे हैं,
पहला इसको बोलते हैं एप्पल, एप्पल स्नेल, ठीक है। और हो जाएगा ए एप्पल स्वा, मुझे डिस्टर्ब करता रहता है, ठीक है। ये हो गया इसको सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। नहीं हॉर्स नहीं, सी है। और लिखो डोरिस, इसको सी लेमन बोलते हैं, नींबू की तरह होता है। पता है हेलिक्स गार्डन में पाया जाता है, ठीक है। गार्डन में जो स्नेल पाए जाते हैं वो एक होता है लाइमेक्स, इंपॉर्टेंट ही। ये हो गया स्लग्स इंटरनल, इंटरनल सेल इज फाउंड, ठीक है। और ये हो जाएगा टर्मिनेला संघ जो हम लोग यूज करते हैं। Yes, ma'am. संघ, ठीक है। और हो जाएगा हाइपर ये होता है तुम्हारे जिसको कोरीज नहीं बोलते हैं, कोरीज। अरे लक्ष्मी जी को जो चढ़ता है पता है, ऐसे बना रहता है यार इसके अंदर, कैसे बताए, मम्मी से पूछना, बताएंगी मम्मी। ये डालना गूगल पे तुमको मिलेगा कोरीज, ठीक है। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है दिवाली के दिन, लिम मिया। ये तुम्हारा फेस वाटर स्मेल होता है, ठीक है। और बाकी जो होते हैं देखो टेरिस्ट्रिया भी पाया जाता है, टेरिस्टर भी होता है, टेरिस्टर टेरिस्ट्रिया भी लिख सकती हूँ। टेरिस्ट्रिया हो गया, फ्रेस वाटर हो गया, क्योंकि देख रही हो ना गार्डन में पाया जा रहा है ना, मेरिन हो गया, ठीक है। ये सब में पाया जा रहा है, ओके। बच्चा क्या तुम्हारा ऑक्टोपस, मैं उसको करके रखी रहूंगी फिर तुमको फिल कर दूंगी, ओके। ठीक है ऑक्टोपस का मैं लिख दूंगी, ज्यादा नहीं है बस थोड़ा सही है, जान लो बड़ा सा होता है ये हेड उसका, ठीक है। मैरिन होता है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं बेटा ऑक्टोपस, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब इंसान से कंपेयर किया जा सकता है इसका। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इसका लोकोमोशन जो होता है वो कोलिशियम, उसका जो जो होता है ना फीट वाटर जेट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक फाइलम ऐसा आता है, उसको बोलते हैं आर्किट्यूटिस, लिखवा दूंगी मैं आर्किट्यूटिस, इसको जेंट स्क्वेड बोलते हैं, मतलब इसका लार्जेस्ट पता है कितना बड़ा ये होता है, हम लोग कितने मीटर के होंगे, बहुत होंगे, हम लोग बताओ कितने मीटर के होंगे, एक या दो मीटर के होंगे, ये पता है कितने मीटर के होते हैं, 15 मीटर के होते हैं, बाबा सोच सकती हो, इंसान से भी बड़ा होता है ये। इसी में हो गया डेविल फिश बोलते हैं, आता है क्वेश्चन आ जाएगा डेविल फिश किसको बोलते हैं, चार ऑप्शन दे देगा, सीपिया दे देगा, कटल फिश को बोलते हैं, लोगियो दे देगा, ठीक है, सी एरो को बोलते हैं, ठीक है। मैं ये पॉइंट लिख दूंगी, फिर कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, इकानोडर्मेटा और हेमिकोडेटा दोनों कवर करके कोडेटा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस मैम, आई थिंक कोडेटा भी कवर हो ही जाएगा। बाय मैम, मिस्टर।